मस्ती और चुस्ती का योग दूर करेगा बीपी। मोटापा, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा और मानसिक परेशानियों के मामले में योग से बहुत राहत मिलती है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमने द योग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हंसा जी योगेंद्र, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक ईश्वर वी बसवारी डी, श्री श्री स्कूल ऑफ योग के CEO कमलेश बरवाल, अक्षर योग के संस्थापक स्वामी अक्षर, वशिष्ठ योगाश्रम के संस्थापक योग गुरु धीरज, जाने माने योग गुरु सुनील सिंह और आरोग्य धाम के योगी डॉक्टर अमृतराज से बातचीत की। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या बहुत आम है। मोटापे और डायबिटीज़ की तरह इसका संबंध भी काफ़ी हद तक गलत लाइफस्टाइल से है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग हर चौथा व्यक्ति इससे परेशान हो सकता है। अधिकतर लोग इसे रेगुलर चेक नहीं करते, लिहाजा उन्हें इसका पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ये साइलेंट तरीके से शरीर को चपेट में ले चुका होता है। ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा स्ट्रेस, भरपूर नींद ना लेने और सही तरह का खान पान ना होने से पैदा होती है। कुर्सी पर लगातार कई घंटों तक पैर लटका कर रखने या कंप्यूटर के आगे आंखें गड़ाए रखने से भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि पैर के अंगूठे से ऊपर तक खून लाने में दिल को काफ़ी काम करना पड़ता है। इसके अलावा मोटापा और डायबिटीज़ होने पर भी बीपी की परेशानी हो सकती है। शरीर और मन कमज़ोर हो तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वहीं अगर बीपी लो या हाई प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है तो योगासन से पहले डॉक्टर और योग गुरु दोनों की सलाह लें। हमारे पैनल के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप कुर्सी पर देर तक बैठते हैं तो पालथी मारकर या फिर एक पांव ऊपर रख कर बैठ सकते हैं। बीपी बढ़ा हुआ महसूस हो तो 10-15 मिनट की धीमी वॉक करें और फिर 10-15 मिनट तक शवासन में लेटे रहें। ऐसे कम से कम 2-3 बार करें। स्ट्रेस ना लें, मन शांत रखें। सोचें कि जब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है तो क्यों परेशान होना। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या में खान पान का भी अहम रोल होता है। हमारे योगाचार्यों का कहना है कि जिन्हें ब्लड प्रेशर की परेशानी है उन्हें तीखा खाना खाने से बचना चाहिए। खान पान सात्विक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आहार हमें शांत रखता है। अचार, पापड़ आदि नुकसान करते हैं। नमक भी कम ही खाना चाहिए। बीपी से निपटने के लिए पालक और अंजीर खाएं। और एक खास बात याद रखें कि खाना वक्त पर खाएं और खाते समय गुस्सा नहीं करें। अब बारी आती है योग से जुड़ी सूक्ष्म क्रियाओं की। 4 से 5 मिनट तक सूक्ष्म व्यायाम करें, इससे शरीर योगासन के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआती 4-5 मिनट में पहले तो आराम से बैठकर हाथों को गोलाकार घुमाएं, हथेलियां मोड़कर कंधे की ओर ले जाएं और हाथ को घुमाएं ताकि कंधे भी रोल हों। इस तरह 20-20 सेकेंड के 2 से 3 राउंड करें। फिर बैठे बैठे ही पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचें, पीछे लाएं और फिर गोलाई में घुमाएं। इसे भी 15-15 सेकेंड में 2 राउंड करें। इसके बाद हाथों की मुट्ठी बनाकर क्लॉकवाइज और उल्टी दिशा में घुमाएं। इसे भी 15-15 सेकेंड के 2 राउंड करें। इसके बाद हाथों की मुट्ठी बनाकर क्लॉकवाइज और उल्टी दिशा में घुमाएं। इसके भी 15-15 सेकेंड के कम से कम 2 राउंड करने चाहिए। अब खड़े होकर कमर को पूरा लेफ्ट ले जाएं और फिर सामने लाकर राइट की ओर ले जाएं। इसके भी 15-15 सेकेंड के 2 राउंड करें। दिन में कई बार सूक्ष्म क्रियाएं करते रहें, यहां तक कि कुर्सी पर बैठे बैठे या बिस्तर पर लेटे हुए भी कर सकते हैं। बीपी से निपटने के लिए अब बारी आती है योगासन की। इसमें एक बहुत उपयोगी आसन है सूर्य नमस्कार। इसे आप कुर्सी पर बैठकर बिना आगे झुके आराम से करें। आगे झुकने से दिल पर दबाव पड़ता है और बीपी बढ़ जाता है। शुरुआत में इसे 1 राउंड ही करें। इसके अलावा बीपी से परेशान लोग लेटकर भद्रासन कर सकते हैं। इसमें दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एक दिशा में रखना होता है और हाथों को दूसरी दिशा में मोड़ना होता है। फिर पैरों की दिशा बदलकर इसे दोहराएं। इस आसन के 3 राउंड तक करें। आप सुखासन भी कर सकते हैं, लेकिन बैक पेन हो तो इसे नहीं करना चाहिए। सर्पासन के लिए पेट के बल लेटकर पीठ की ओर हाथों को ले जाएं और आपस में हाथों को बांध लें और सिर ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। यह आसन 1 से 2 राउंड तक करें। बीपी से निपटने में बलासन भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसमें जमीन पर वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर सिर आगे की ओर नीचे झुकाएं, हाथ आगे बढ़ाकर जमीन से छूने की कोशिश करें। इसे 2 से 3 बार करें, लेकिन घुटनों या जोड़ों में दर्द है तो ये आसन ना करें। कुछ हस्त मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा और आकाश मुद्रा।
इन्हें 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि बीपी की प्रॉब्लम हो तो योगासन में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। बीपी कम रहता है तो पीछे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। इसी तरह बीपी अगर ज़्यादा रहता है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। सूर्य नमस्कार की क्रियाएं बहुत आराम से करें, पीछे ना झुकें, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। कमर दर्द है तो कोई भी आसन करने से पहले योग गुरु से सलाह लें। प्रेग्नेंट हैं तो आगे झुकने वाले कोई भी आसन ना करें। ब्लड प्रेशर के मामले में प्राणायाम काफ़ी मददगार होता है। सांस से जुड़ी क्रियाएं ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बीपी ज़्यादा रहता है तो 1 मिनट तक शीतली प्राणायाम करें। बीपी लो रहता है तो कुंभक युक्त प्राणायाम करें। इसके अलावा नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके लिए नाक के लेफ्ट साइड से सांस लें और राइट से छोड़ें, फिर राइट से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ें। सांस गहरी लें और जितनी देर लेने में लगे उससे दोगुनी देर सांस छोड़ने में लगाएं। इसके लिए 4 से 8 की गिनती का फॉर्मूला अपना सकते हैं। शुरुआत में 10 राउंड और बाद में 30 राउंड तक कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ध्यान की। एक बार में कम से कम 5 मिनट ध्यान करें और हो सके तो दिन में 2 बार करें। ओमकार जप करें या कोई मंत्रोच्चारण। अगर कुछ ना समझ आए तो आंखें बंद करके आसपास की आवाज़ें सुनें। अपनी सांस की आवाज़ों को मानसिक तौर पर महसूस करें। कुछ सेकंड भी ध्यान में रुक सकेंगे तो मन के लिए अच्छा है। अच्छी नींद के लिए योग निद्रा।